जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय कामनाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यं सरकामार सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देही में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर मंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय नमो नमो दुर्गे सुखकरणी नमो नमो अम्बे दुखहरणी महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। देवराधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति कि क्या दुर्गा सप्तशती का पाठ केवल करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है क्या? यह प्रश्न मेरे सामने उठा, क्या दुर्गा सप्तशती का पाठ केवल ब्राह्मण या शास्त्री या कथावाचक या साधु संत महात्मा त्यागी तपस्वी यज्ञाचार्य तंत्राचार्य को ही करने का अधिकार है क्या? एक मनुष्य साधारण मनुष्य है, उसको किसी पंडित जी ने मंदिर के पुजारी ने यह बोल दिया कि तुम्हें दुर्गा सप्तशती पाठ करने का अधिकार नहीं है तो इसका पाठ मत करो, तो ये गलत है। कोई भी मनुष्य जो धर्म प्रेमी हो, जिसके अंदर माता रानी की कृपा बरसी हो या मां को प्राप्त करना चाहता हो, मां से कृपा प्राप्त करना चाहता हो, मां के प्रति समर्पण भाव हो, तो वह दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकता है। चाहे वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई प्रतिबंध नहीं है। किसी भी उम्र का हो, कोई प्रतिबंध नहीं है। मां भगवती जगत जननी की आराधना प्रार्थना गुणगान करने का सभी को अधिकार है, चाहे वह मानसिक करे या वाचिक करे। कोई भी यदि ब्राह्मण या शास्त्री या कथावाचक या साधु संत महात्मा त्यागी तपस्वी यज्ञाचार तंत्राचार यह कहता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ तुम नहीं कर सकते, तो वह सरासर गलत है और अन्याय है। प्रत्येक जीवात्मा को पाठ करने का अधिकार है, यदि उसने पाठ करना सीखा है तो, या फिर उसको पाठ करने का विधान मालूम है तो वो उस विधान से दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकता है। उसको कोई रोक नहीं सकता और उसको ये नहीं हो सकता कि उसके ऊपर अकृपा बरसेगी। जो भी मनुष्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करेगा, शुद्ध मन से पाठ करेगा, उसको कृपा अवश्य प्राप्त होगी। कोई जाति बंधन नहीं है, कोई उम्र बंधन नहीं है, कोई धर्म का बंधन नहीं है। अब एक प्रश्न मेरे सामने आया है कि नगर कोट वाली मां की साधना के लिए क्या करना चाहिए या नगर कोट वाली मां की पूजा कैसे करना चाहिए। तो नगर कोट वाली मां की साधना के लीजिए, पूजा के लीजिए, उसके लिए वहां के स्थान की परंपरागत रीति रिवाज के अनुसार उनकी जैसी पूजा होती रही है या होती आई है उसके अनुसार वहां पे पूजा करें। कोई विशेष पूजा का विशेष नियम नहीं है। और यदि मां की साधना करना चाहते हैं तो विधि विधान से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और फिर विधि विधान से दुर्गा सप्तशती का हवन भी करें और उनके जो भैरव जी हैं उनको उचित भेंट भी अवश्य दें। और यह कार्य रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ और रोजाना हवन 41 दिन तक लगातार करें और साधना के पूरे नियमों का पालन करें। स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाना, स्त्री के साथ नहीं सोना, कंबल के ऊपर सोना, नाखून नहीं काटना, दाढ़ी बाल नहीं काटना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या इससे दूर रहना,
ये साधना के नियम हैं, इन नियमों का पालन करें तो नगर कोट वाली मां की साधना सिद्धि अवश्य मिलती है। अब प्रश्न ये आता है कि भूत प्रेत से ग्रसित व्यक्ति या तांत्रिक अभिचारी कर्म से ग्रसित व्यक्ति यदि स्वयं रोजाना श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करता हो तो वह तांत्रिक क्रिया असर नहीं करती है, यह बिल्कुल सत्य है। और जब तक वह मनुष्य स्वयं दुर्गा सप्तशती का पाठ करता रहता है या करता रहेगा तब तक उसके ऊपर तांत्रिक अभिचारी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यदि हमेशा हमेशा के लिए तांत्रिक अभिचारी कर्म से मुक्ति चाहिए तो उसे पहले शरीर से निकलवाना होगी, स्थान से निकलवाना होगी। जैसा हम कहते हैं ना कि लोहा लोहे को काटता है, उसी प्रकार तंत्र को सिर्फ तांत्रिक ही काट सकता है, कोई और शास्त्री पंडित पुजारी नहीं काट सकता। इसलिए पहले तांत्रिक अभिचारी कर्म यदि हो गया हो तो पहले तांत्रिक अभिचारी कर्म को समाप्त करवाएं, फिर श्री दुर्गा सप्तशती के पाठ करें और हवन करें तो कई गुना फायदा होगा और आपके रुके हुए काम सब रास्ते खुल जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं साहब कि मां को कैसे प्रसन्न करें। मां को प्रसन्न करने का सरल सीधा तरीका बताओ। हम पूरी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, इतना समय नहीं है। अरे मां के 9 दिन 6 महीने में 9 दिन आते, फिर अगले 6 महीने में 9 दिन आते, आप 365 दिन में 18 दिन उनके लिए नहीं निकाल सकते। पर आप कहते नहीं साहब हमारे पास समय नहीं है। यदि आपके पास मां भगवती जगत जननी के लिए समय नहीं है, कुल देवी देवता के लिए समय नहीं है, तो उनके पास थोड़ी समय है आपके लिए, मत करो। शॉर्टकट मानते हो कि शॉर्टकट तरीका बताओ जिससे मां प्रसन्न हो जाए। शॉर्टकट कुछ नहीं होता धर्म में, और फिर भी करना चाहते हो तो रोजाना श्री कुंजी का स्त्रोत का पाठ रोजाना करो, कम से कम 108 बार। श्री काली कवच का पाठ 108 बार रोज करो, 9 दुर्गा की बात कर रहा हूं 9 रात्रि में, और भैरव अष्टोत्तर शतनाम का पाठ रोजाना 108 बार करो। और यह काम सुबह शाम कभी भी कर सकते हो तो मां की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। बाकी अन्य मां की जो भी स्तुति आप बोल सकते हो बोलो, कुंजी का स्त्रोत के पाठ में उस कुंजी का स्त्रोत की चाबी बोलना मत भूलना, क्योंकि कई जगह मैं देखता हूं कुंजी का स्त्रोत जो छपा हुआ है उसके अंदर एक लाइन गायब है, मिला मिली मिलू मूल विस्तीन कुंजी का नमो नमः। यदि आपने ये लाइन नहीं बोली तो आपको कुंजी का स्त्रोत के पाठ का फल नहीं मिलेगा, इसलिए इस लाइन को अवश्य जोड़ लें फिर कुंजी का स्त्रोत का पाठ करें। ओम ऐं ह्रीं ग्लीं चामुंडा विच्चे ओम ग्लौं ह्रूं ग्लीं जूं सह ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वलय प्रज्वलय ऐं ह्रीं ग्लीं चामुंडा विच्चे ज्वल हं चं लं चं फट स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपिणीं, नमस्ते मधुमर्णी, नमः केतुवाहने, नमस्ते महिषासुरमर्दिनी, नमस्ते शुभंतानि सुम्भासुरघातिनीं, जागृतिं हिं महादेवी जपं सिद्धं करुष्मे। ऐं कारी सस्यरूपाय ह्रीं कारी प्रतिकालिका क्लीं कारी कामरूपिणी बीजरूपे नमस्तुते। चामुंडा चंड घाती चैंकारी वेदानी विचैन चाय बदा नित्यमस्ते मंत्र रूपिणी धाम धीम धूम दू जड़े पत्नी वाम भीम भूम वागदीश्वरी क्राम ग्रीम ग्रोम गालिका देवी श्याम चुम्बे शुभम करू। होम 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 कार रूपिणी जम 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 बनादिनी भ्राम भ्रीम भ्रूम वैरी बदे भवानी ते नमो नमः। अंकम चम टम तम यम चम भीम दुम मैं भीम हम चम दिजागम दिजागम तोटे टोटे दीप्तम गुरु गुरु स्वाहा। भाम भीम भूम भाति पूर्णा खाम घीम खुम खेचरी तदा मलाम मली मलू मूल विस्तीन कुंजिकाय नमो नमः। साम सीम सुम सप्तशती देव्य मंत्र सिद्धम करुम इदम तुम कुंजिका स्त्रोत मंत्र जागृति हेतवे अभक्ते नेदात्यम गोपितम रश्वातिम। दुर्गति नाशिनि दुर्गा जय जय काल विनाशिनि काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणि जय 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 मां कामाख्या जगत जननी आदिशक्ति भवानी। आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, निरोगी रखे और आपकी कीर्ति चारों ओर फैले, ऐसी हम कामना मां कामाख्या से करते रहेंगे।
वह जगत जननी है, आद्य शक्ति भवानी है, आह्लादिनी शक्ति है, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, आपका कल्याण करें।